नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2024 वर्ल्ड कैंसर डे और निर्दोष टेक ऑनको में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कैंसर डे के पीछे कौन है और इसको क्यों मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर? वर्ल्ड कैंसर डे यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड कैंसर डे इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसका मकसद ये था कि पूरे वर्ल्ड से ग्लोबली कैंसर के बर्डन को कम किया जा सके, चाहे वो मेडिसिन के तौर पे हो, इक्विपमेंट के तौर पे हो, या ट्रीटमेंट फैसिलिटी के तौर पे हो, या कैंसर अवेयरनेस के तौर पे हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही था कि कैंसर के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके और उनको बेहतर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके। पहली बार वर्ल्ड कैंसर डे पेरिस में सन 2000 4 फरवरी को मनाया गया। वहां पर एक बहुत ही ग्रैंड कन्वेंशन हुई और वहां पर इस कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि हम पूरे वर्ल्ड में कैंसर के बर्डन को ग्लोबली कम करेंगे, और उस कन्वेंशन में ये भी पक्का किया गया कि हम पूरे वर्ल्ड में चाहे मेडिसिन, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इक्विपमेंट फैसिलिटी या कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, इन सबको फोकस करके और पूरे वर्ल्ड में इस प्रोग्राम को चला के कैंसर के बर्डन को कम किया जा सके। कैंसर आज हमारी सोसाइटी के लिए एक श्राप और अभिशाप से कम नहीं है, मगर आज के समय में हम जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को काम करते हुए देखते हैं जो कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से रन कराते हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं, तो इन सब वजहों से आज हम अपने कंट्री के अंदर कैंसर के एडवांस ट्रीटमेंट को भी देखते हैं। अब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कैंसर का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अपने कंट्री के अंदर ले सकते हैं और अपने बजट में ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो, सारी फैसिलिटीज़ हम बहुत ही बेहतर तरीके से कैंसर के मरीज का इलाज करने में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और अच्छी फैसिलिटी है, जिसकी वजह से कैंसर का मरीज एक क्वालिटी लाइफ को जीता है। आज से कुछ समय पहले कैंसर को पूरे वर्ल्ड में एक महामारी के तौर पे देखा जाता था। तब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे, ज़्यादा बेहतर कैंसर के प्रति जानकारी नहीं थी और चीज़ें अपकमिंग डेवलपमेंट में थी, और कैंसर की वजह से मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुहिम को चला करके, इस ऑर्गेनाइजेशन को बना करके बहुत सारी कंट्रियों में अपने इस प्रोग्राम को चला करके बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया है। मगर ये भी एक रियलिटी है, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर कैंसर आज के समय में भी एक एपिडेमिक, एक महामारी के रूप में देखा जाता है। वहाँ पर उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने अवेलेबल नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कैंसर से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर हम और आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो हम भी इस बीमारी से बच सकते हैं और कैंसर का बोझ अपने सोसाइटी से कम कर सकते हैं। आज जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं, हमने उसमें इतने मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं कि आज हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है, चाहे वो कैंसर हो या दूसरी बीमारियां हो। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपने वजन को नहीं बढ़ने देते, तो हो सकता है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करके रख सकते हैं। और आज हम ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं और अपने शरीर की परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ये सब बीमारियाँ जो बहुत ही भयानक होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने शरीर को पर ध्यान दें और अपने शरीर को अच्छी चीज़ें दें जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप बीमारियों से दूर रहें। और जब हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीते हैं तो उसकी वजह से हम दूसरों की भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि मैं और आप मिलकर के एक दूसरे की मदद कर सकें। बहुत सारी जानकारी मैंने अपने इस चैनल पे डाल रखी है, बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैंसर किस तरीके से होता है,
क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या और भी बहुत सारी जानकारी जो मैंने अपने इस चैनल पर लोड करके रखी हुई है। मेरा मोटिव ही था इस चैनल को क्रिएट करने का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूसरों की मदद कर सकूं जो इस कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं और परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर के एक दूसरे की मदद कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।